हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। एसएससी जीडी का स्पेशल बैच जहां पर अनुपात समानुपात का टॉपिक समाप्त हो चुका है और वहां पर 100 के आसपास क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के लिए ये डेमो क्लास होगी। यदि आप भी स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डेमो क्लास देखने के उपरांत ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं एसएससी जीडी का, तो आप लोग इस क्लास के सभी क्वेश्चन आप पूरा कवर करिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो जैसे इसका पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ दो तरीके से लगा सकते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या यक्स है, तो किसी संख्या यानी पहली संख्या उसका 40%, तो यक्स का 40% मतलब एक्स गुणे 40/100 और बराबर दूसरी संख्या अपनी मतलब दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती, तो दूसरी संख्या का डायरेक्ट 60% ले लेंगे। तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, इसका 60%, तो y गुणे 60/100, यहाँ से डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा। 100-100 कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ 0-0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2×2=4 और 2×3=6, तो यहाँ पर x और y का अनुपात निकालेंगे तो देखिएगा x अनुपात है, जब y निकालेंगे तो ये गुणनफल के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x का मान निकालना है तो 2 को छोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और अनुपात में जब y निकालेंगे तो 3 को छोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो ये 3:2 हो गया। एक इसका दूसरा तरीका है, ये तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी संख्या का 40%, जब किसी संख्या का 40% मतलब वो संख्या x है और x का 40% यहाँ पर लिखेंगे और दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या y है और बराबर कह रहा है कि दूसरी संख्या बढ़कर अपनी का 60% हो जाती है, तो दूसरी संख्या बढ़ती है मतलब दूसरी संख्या प्लस स्वयं का 60% मतलब दूसरी संख्या स्वयं का 60% हो जाती है। इस तरह पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर x का 40% है तो गुणा का की जगह गुणा आएगा, 40% हटेगा तो बटे में 100 होगा, और प्लस y, और यहाँ भी y है दोनों तरफ, देखिए सिंबल सेम है तो ये y y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर यहाँ y का 60% था तो y गुणे 60/100, तो मतलब वैल्यू यही प्राप्त हो गई जो अपन यहाँ स्टार्टिंग में लिखे थे। अब ये 100-100 कैंसिल आउट होगा, 0-0 कैंसिल आउट करेंगे, 2×2=4, यहाँ पर 2×3=6, 2 से दोनों कैंसिल आउट, तो ये देखिए x और y का अनुपात यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो x का जब मान निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और y का निकालेंगे तो 3 को छोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन इसको इस तरह सॉल्व करेंगे डायरेक्ट सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, इसमें सभी प्रश्न अच्छे शामिल किए गए हैं, आगे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है, यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी दो उत्पाद दिए हुए हैं और इसके मूल्यों का अनुपात भी दिया है यहाँ पर 5:8। अब यहाँ पर देखिएगा ए के उत्पाद के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहा है तो ये 20% की वृद्धि होगी, और यहाँ पर बी के उत्पाद मूल्य में देखिए 20% की कमी कर रहा है तो यहाँ -20% की कमी। अब यहाँ नया अनुपात निकालना है, नए उत्पाद मूल्यों का अनुपात, तो यहाँ पर 5 में देखिए गुणा होगा, यहाँ पर जब 20% की वृद्धि करेगा, 20% की जब वृद्धि होगी तो यहाँ पर मूल मान 100 होता है, 100 में जब 20% बढ़ेगा तो 120% होगा, और 120% को लिखते हैं प्रतिशत, जब हटेगा तो बटे में 100 आएगा, जहाँ से 0 हटाएंगे जब 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा मतलब 1.20 हो जाएगा। इसी तरह जब 20% की कमी करेगा तो 80% वैल्यू बचेगी, 80% का मतलब 80/100 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 0.8, इन वैल्यू को गुणा करना होगा। देखिएगा तो अब 5 में गुणा, जब 20% की वृद्धि होगी तो 1.20 हो जाएगा क्योंकि 120% है, फिर अनुपात 8 में गुणा कर देंगे, 80% बचेगा तो मतलब 0.80। अब यहाँ देखिए दशमलव बैलेंस है, दशमलव के बाद 2 2 अंक है तो दशमलव रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ 120 है, यहाँ 80 है, तो देखिए 40 से कैंसिल आउट करेंगे तो 40 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 40 से 40×2=80, 40×3=120, अब यहाँ गुणा कर देंगे 5×3=15, 8×2=16, कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो ये 15:16 बनेगा नया अनुपात, इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, और आप लोगों को क्लास नोट्स, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्लास नोट्स के जितने क्वेश्चन हैं तो आप लोगों को स्पेशल बैच में मिलेंगे एसएससी जीडी के, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे हुए थे तो वो क्वेश्चन आप लोग डेमो के रूप में आप लोग देख सकते हैं, और स्पेशल बैच ज्वाइनिंग होने के बाद आपको प्रत्येक टॉपिक में 100 से 200
क्वेश्चंस के करीब करवाए जाएंगे जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा प्रश्न है, दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है, छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, तो छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 17x और दूसरी 45x, इस तरह मान लेंगे। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/3, तो छोटी संख्या 17x है तो उसका 1/3 और बराबर कह रहा बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस बता रहा है 15 का, तो बड़ी संख्या तो 45x है, तो 45x का 1/5 और ये बराबर हो जाएगा 15, दोनों का अंतर आएगा 15। तो पहले ये बड़ी संख्या लिखना था, फिर बाद में छोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पर 17x और बटे हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा 5 एकम 5, 5 नहीं 45, तो यहाँ 9x होगा बराबर 15। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो देखिएगा 3 का गुणा 9 से करेंगे और 3 का गुणा 15 से भी करेंगे, ये 17x रहेगा। तो देखिए 17x माइनस 3 9 27x बराबर 3 × 15 करेंगे, 15 3 45। अब 17 और 10 27, 17 10 27, तो यहाँ पर 10x का डिफरेंस होगा, माइनस का सिंबल लगा लीजिए, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उल्टा लिख दिए हैं, सीधा लिखना चाहिए था, और बराबर ये 45 हुआ। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू अभी देखिए 5 से कैंसिल आउट, 5 × 2 = 10, 5 नहीं 45, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/2। अब ये x की वैल्यू 9/2 जो प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या 17x है, तो यहाँ पर देखिएगा 17x का मान निकालेंगे, तो 17 × x का मान ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ 9/2 पुट कर देंगे, तो 17 नहीं 153 और 2 होगा, लेकिन ऑप्शन में ये वैल्यू ना दे करके मिश्र भिन्न में दे देता है, तो 153 में भाग कर लेंगे 2 से, तो 2 7 14, यहाँ पर देखिएगा 2 7 14 फिर 1 13 हुआ, तो यहाँ पर 2 5 10 सॉरी 6 बार जाएगा, 2 6 12, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 76 सही 1/2 इसको लिख सकते हैं, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब ये भी सही है ये भी सही, तो ये प्रोसेस होती है लगाने के, तो इसको आप लोग बेसिक आना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीन संख्याएं दी हुई, तो यहाँ पर मान लेते हैं 3x अनुपात में दिया है, 2x और 5x, यहाँ पर पहले मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार इनके वर्गों का योग दिया है, तो यहाँ पर 3x² प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर और ये बराबर दिया है 1862, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 1862, तो यहाँ हो जाएगा 9x² क्योंकि 3 का वर्ग 9 और x² रहेगा प्लस ये 4x² प्लस यहाँ पर 25x² बराबर 1862, तो यहाँ पर 9 4 13 और 25 13 38 होगा, तो 38x² बराबर 1862, यहाँ से 38 से कैंसिल आउट करेंगे, 38 1 कम 38 या कि 19 से पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, 19 2 9 38, फिर यहाँ पर 19 9 171 फिर 15 52 तो 19 8 152, 19 से कैंसिल आउट करेंगे, फिर 2 1 कम 2 49 2 9 98, तो x बराबर हो जाएगा √49 क्योंकि ये वर्ग है, तो उधर पक्षांतर करेंगे स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये 7 वैल्यू आएगी। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अनुपात में 2x है, तो ये छोटी निकाल लेंगे 2x, तो 2 × x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 आई है, तो 2 7 14 होगी सबसे छोटी संख्या, इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्टकट में भी सॉल्व करेंगे, आगे देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात दिया है स्टार्टिंग में 2:3, ये पहला अनुपात हो गया, दो संख्याएं हैं, और दूसरा अनुपात देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 1:2, ये लगाने का तरीका है। अब कह रहा है कि पहली संख्या में से 2 घटाना है, तो 2 घटाएगा तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर अंतर 2 का आएगा लेकिन -2 होगा, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है तो यहाँ पर लिख लेंगे +2। अब यहाँ कुछ नहीं, तिरिया गुणा करेंगे और 1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ 2 2 9 4 और 3 1 3, तो बड़े मान में छोटे मान को घटाएंगे 4 - 3, और यहाँ 2 1 2 गुणा करेंगे तिरियक, और यहाँ पर 2 2 9 4 माइनस का आएगा इसलिए यहाँ पर जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 4, यहाँ पर याद रखेंगे यदि निगेटिव माइनस में आ रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 = 2 4 6 हो जाएगा, तो यहाँ 1 = जब 6 है तो कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो अनुपात में देखिए स्टार्टिंग में योग हो रहा है
तीन और दो पाँच, तो पाँच बराबर निकालना है पाँच अनुपात, तो पाँच गुणे छः कर देंगे क्योंकि एक बराबर छः है, तो पाँच बराबर छः पंचे तीस हो जाएगा। तो संख्याओं का योग तीस होगा। अलग अलग संख्याएँ निकालेंगे तो यदि एक बराबर छः है तो दो बराबर छः दूनी बारह, और यहाँ पर तीन गुणे छः करेंगे तो तिरछंग अठारह, अब बारह अठारह जोड़ेंगे तो तीस आएगा योग। अलग अलग भी संख्याएँ निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, ए कुल राशि का एक बटे सोलह भाग और बी कुल राशि का एक बटे चार भाग प्राप्त करता है, यदि सी को इक्यासी रुपए प्राप्त होते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो देखेंगे ए बी सी में बांट रहा है लेकिन ए कुल राशि का एक बटे सोलह, मतलब भिन्न में एक बटे सोलह है और बी का मान है कुल राशि का एक बटे चार। तो यदि ए और बी को जोड़ें तो देखें टोटल हो रहा है, ये ए का एक बटे सोलह है टोटल राशि का और ये बी एक कुल राशि का एक बटे चार है, तो दोनों को जोड़ने पर देखिए यहां दो भिन्नों को जोड़ना है तो इसको 16 बनाया जा सकता है, 16 है तो यहां 4 का गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में, तो ये हर समान हो गया, तो यहां लिखेंगे 16 और ये 4 एक कम 4 4 एक 5, तो ये 5 बटे 16 हो गया बी ए और बी का टोटल योग। अब शेष बचेगा, देखिएगा जब 16 का 5 पार्ट यदि निकाल दें तो शेष बचेगा, क्योंकि यहां पर बचेगा 11, 11 5 16 होता है, तो यहां बचेगा 11 बटे 16, ये शेष बचेगा। अब यहां पर देखिएगा, यहाँ पर चार था, यहाँ पर एक है, चार एक पांच होगा। यहाँ प्रश्न में तीन बटे सोलह दिया हुआ है, यहाँ पर याद रखेंगे एक बटे सोलह नहीं, यहाँ पर तीन बटे सोलह है, तो चार और तीन सात बटे सोलह हो जाएगा, तो शेष बचेगा नौ बटे सोलह। यहाँ पर जब सात बटे सोलह ये ए और बी का कुल योग है तो शेष नौ बटे सोलह। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, ये पार्ट हो जाएगा सी का, ये सी के लिए हो जाएगा जो शेष बचा, तो ये नौ बटे सोलह बराबर वैल्यू दिया है यहाँ पर, यदि सी को इक्यासी रुपये प्राप्त होते हैं तो रुपये में दिया है इक्यासी, तो 9 बटे 16 की वैल्यू 81, तो एक बराबर निकालेंगे तो टोटल राशि होगी, तो देखिए 9 एक कम 9, 9 नहीं है 81, फिर 16 को गुणा 9 से करेंगे तो 16 नहीं है 144, तो एक बराबर हो जाएगा 144। तो भिन्न में टोटल मान कुल मान एक होता है, जो कि ये 144 रुपए कुल रुपए आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो देखिए बी को कुल राशि का एक बटे चार प्राप्त हो रहा है, तो टोटल राशि तो 144 है, तो देखिए बी को मिलेगा 144 का एक बटे चार, तो चार एक कम चार, यहाँ से चार तीन बारह, फिर दो चौबीस हुआ, चार छंग चौबीस, तो बी को मिलेंगे 36 रुपए। ये प्रत्येक का हिस्सा निकाल सकते हैं, इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन है, 1540 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए और सी के कुल भाग का तीन बटे ग्यारह है, तब बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि जो बी का भाग है, तो यहाँ पर ए और सी के भाग का मतलब अनुपात जब लिखेंगे तो ए प्लस सी, ये बी का अनुपात ए और सी के अनुपात का तीन अनुपात ग्यारह है, मतलब तीन बटे ग्यारह का मतलब इस तरह लिखेंगे, तो बी का पार्ट हो गया अनुपात में तीन और ए और सी टोटल होगा यहाँ ग्यारह। अब यहाँ पर देखिएगा, टोटल राशि 1540 है लेकिन यहाँ पर अनुपात में टोटल जोड़ेंगे जब ए बी सी तीनों का, तो यहाँ पर 11 3 14 होगा और 14 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 1540 के, तो यहाँ से एक अनुपात निकालेंगे तो 14 एक कम 14, यहाँ से 14 एक कम 14, फिर 14 एक कम 14, एक जीरो होगा, तो एक अनुपात की वैल्यू 110 हो जाएगी। और कह रहा कि बी का भाग कितना होगा, तो बी का भाग देखिए अनुपात में तीन है, तो यहाँ तीन अनुपात की वैल्यू निकालना है, तो तीन गुणे 110 कर देंगे क्योंकि एक अनुपात 110, तो तीन अनुपात की निकालेंगे, अनुपात में तीन दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा 11 गुणे तीन करने पर गया 33, एक जीरो लगाएंगे तो 330 रुपए होगा, ये बी का हिस्सा हो जाएगा या बी का भाग, इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर आठवां है, 53 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले तो लिख लेते हैं ए बी और सी, तो यहाँ पर सी को यक्ष मानेंगे क्योंकि ए का मान बी पर निर्भर करता है और बी का मान सी पर निर्भर है, तो सी को यक्ष मान लिए तो बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं, तो इसको फिर मिलेंगे एक्स प्लस 8 क्योंकि सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं बी को, तो बी का हिस्सा हो जाएगा एक्स प्लस 8। अब ए का हिस्सा तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलते हैं, तो बी को यदि एक्स प्लस 8 है तो 7 और इसमें जोड़ देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, तो ए को मिलेंगे एक्स प्लस 15, मतलब 7 इसमें और जुड़ जाएगा। अब ये तीनों का हिस्सा हो गया क्रमशः,
है। अब इनका योग होगा टोटल, देख लेंगे टोटल जोड़, और यहाँ पर दिया है 53 रुपये, तो यक्स 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 तीन है, तो यहाँ 3x और यहाँ प्लस, यहाँ पर 15 8 23 होगा, और ये बराबर होगा 53 रुपये। यहाँ पर योग हो रहा है 3x प्लस 23, और इधर टोटल योग दिया है, मतलब टोटल रुपये 53 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 23 को जब पक्षांतर करेंगे, 53 माइनस 23 होगा तो 30 बचेगा, तो 3 एक कम 3 3 दहम 30, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो पहला हो जाएगा ए का हो जाएगा 10 और 15, तो 15 10 25 हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे। बी का हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा अनुपात, और सी का ये यक्स बार 10 आया है तो ये 10 ही हो जाएगा, तो 25 18 10 का अनुपात बनेगा तीनों का, इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, 4830 रुपए की एक राशि पी क्यू आर 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 में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाएं या किए जाएं तो शेष राशियों में अनुपात 3 4 5 का हो जाता है, तो पी का भाग कितना था। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इसमें ध्यान रखिए इस तरह का प्रश्न आए, तो ये जो कम कर रहा है प्रत्येक भाग से 5 और 10 और 15, तो 15 10 25 5 30, टोटल 30 कम कर रहा है, तो पहले तो 4830 में ही 30 कम कर देंगे, तो टोटल राशि अब बची 4800 रुपये। अब ये 4800 रुपये कुल बचा, अब इसको डिवाइड करना है 3 4 और 5, तो ये पी क्यू आर का ये जो अनुपात दिया है लिख लेंगे यहाँ पर 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब ये राशि डिवाइड करना है, तो पहले अनुपात में योग हो रहा है 5 4 9 3 12, जोड़ेंगे और 12 बड़ा अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 4800 के, तो 12 1 कम 12 12 4 48, एक अनुपात की वैल्यू 400 हो जाएगी। कह रहा है कि पी का भाग कितना था, तो अभी पी का भाग कितना है पहले देख लेंगे, तो यहाँ 3 है अनुपात में, तो देखिएगा 3 गुणे यहाँ पर 400 कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात की प्राप्त है यहाँ पर, तो 4 3 1200, लेकिन यहाँ पर कम किया गया था, देखिए पी का 5 रुपये कम किया गया था, तो ये 5 और जोड़ देंगे, तो जब पी का हिस्सा आएगा तो वो 1205 रुपये आएगा, इसको याद रखिएगा, जो कम किया गया है उसको फिर बाद में जोड़ते हैं लास्ट में, तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, 10वां प्रश्न देखिएगा, सेम 9वें जैसा है, 1470 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 50 50 50 तीनों में कम करना है, तो 150 कम हो जाएगा, तो इस तरह के प्रश्न में शुरू में ही 150 माइनस कर लेते हैं यहाँ पर तीनों का हिस्सा टोटल। अब यहाँ 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, 7 में 5 घटाएंगे 2, और यहाँ 4 में 1 घटाएंगे 3, और ये 1 है, तो 1320 रुपये टोटल बचा। अब इसको डिवाइड करेंगे एबीसी में, तो देखिएगा एबीसी का ये अनुपात दिया हुआ है, जब घटाने के बाद ये जो अनुपात है 1:3:2, अब अनुपात में टोटल योग देख लेंगे यहाँ पर, तो 3 2 5 1 6, और ये 6 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, टोटल राशि यहाँ पर बची 1320, तो 6 1 कम 6 यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 12 फिर 1 12 हुआ, 6 2 12 0, तो 1:220 हो गई। अब यहां पर सी द्वारा प्राप्त धन पूछ रहा है, तो सी द्वारा अनुपात में 2 है, तो यहां पर 2 अनुपात की निकाल लेंगे, तो 2 2 × 220 करेंगे, तो 22 2 44, ये 440 रुपये हो गया, लेकिन 50 रुपये ये कम किए थे, जब सी का हिस्सा निकालेंगे तो वही 50 के लास्ट में जोड़ देना है, तो ये तो इस अनुपात में आ रहा है 440, मतलब इस राशि में, जब राशि 1470 थी तो 50 जुड़ेगा, तो 490 रुपये होगा, तो इस तरह से सी का हिस्सा फाइंड करेंगे, प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, तो लास्ट में वो 50 जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है, तो यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो लिख लेंगे कि नोट कितने कितने रुपए के हैं उस थैले में, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये, ये रुपये में दिया हुआ है, और उनकी संख्या का अनुपात दिया है यहाँ पर, तो लिख लेंगे संख्या, इसके बाद लिखेंगे संख्या, एक नोट की वैल्यू यहाँ लिख ली, अब संख्या का अनुपात 3 4 5 है, तो लिख लेंगे 3:4:5। अब यहाँ पर रुपया निकालना है, तो याद रखिएगा जब भी रुपये का मान निकालना हो कुल मान, तो एक नोट का और संख्या से गुणा करेंगे, मतलब नोट की संख्या का इससे गुणा करेंगे नोट की वैल्यू से, तो 20 23 60 यहाँ पर अनुपात है, ये रुपया अनुपात में प्राप्त होगा, 10 4 40 अनुपात है, यहाँ 5 5 25,
अब यहाँ पर टोटल योग देखें कितना हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा यदि अनुपात में जोड़ें तो 60, 40, 100 और 125, यहाँ 125 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी बराबर टोटल रुपया 1000। तो यहाँ पर ये 1000 के तो 125 एक कम 125, 125 अट्ठे 1000, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 8। अब जब एक अनुपात की वैल्यू 8 प्राप्त हो गई तो 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करना है, तो 5 रुपए के नोट की संख्या का अनुपात है 5 ही है, तो 5 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 गुणे 8 करेंगे तो 40 हो जाएगी। तो ये 5-5 रुपए के 40 नोट हो गए संख्या में, इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ही 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले तो अनुपात में निकालेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, तो 50 पैसे और 25 पैसे का जब अनुपात बनाएंगे अनुपात में, तो इसको दुगना कर देंगे तो देखिएगा 2:1 बनेगा। 25 पैसे का मान लेंगे अनुपात है संख्या 1, तो इसका दुगना हो जाएगा 50-25 से, तो 2:1 बनेगा। और यहीं पर देखिए, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, मतलब ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, तो इसको 4 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1, तो 50 का 4 हो जाएगा अनुपात में। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 50 पैसे, यहाँ भी 50 पैसे, तो ये वैल्यू समान करना है, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा दोनों के साथ कर देंगे। तो देखिए 2×2=4 अनुपात 2×1=2, और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि यहाँ 4 ऑलरेडी पहले से लिखा है, तो 4:1। तो अब यहाँ पर देखिएगा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 1 रुपया का हो जाएगा यहाँ से 1 लिख लेंगे वैल्यू, और 50 पैसे के देखिए वैल्यू समान किए हैं 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4:1, और 25 पैसे के लिए यहाँ हो जाएगा 2, तो ये संख्या का अनुपात आ गया 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो सिक्का लिख लेते हैं, सिक्का कितने कितने के हैं, तो सिक्का यहाँ पर देखिए 1 रुपया का है और 50 पैसा है, तो इसको जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, मतलब 50 पैसा है और इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो बटे हो जाएगा 100, तो ये 0.50 होगा, क्योंकि 2 जीरो है, तो 2 जीरो जब हटाएंगे तो 0.2 अंक के बाद लगेगा, इतनी वैल्यू हो जाएगी। और 25 पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो 2 शून्य हटाएंगे तो 2 अंक के बाद 0.2 होगा, मतलब 0.25। इस तरह आप लोग इसको देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.50 50 पैसा और 25 पैसे के लिए 0.25, ये एक सिक्के की वैल्यू हो गई, रुपए में कन्वर्ट करना है इसलिए इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए संख्या का अनुपात अभी जस्ट निकाले हैं, इन्हीं की संख्या का अनुपात 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:1, यहाँ पर देखिए 4:2। तो अब रुपए निकालना है यहाँ पर, तो जब भी रुपए निकालना हो तो अभी पिछले सवाल में इनका गुणा किए थे, एक सिक्के की वैल्यू और संख्या से गुणा कर देते हैं, तो ये आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 1×1=1:50 50×2=200, तो मतलब 2.00 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि 2 अंक के बाद 0.2 लगा है तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ अनुपात यहाँ 25×50 मतलब 0.50 होगा। तो अब देखिए यहाँ रुपए का अनुपात आ गया, प्रत्येक प्रकार के सिक्के के रुपए का अनुपात प्राप्त हो गया। अब यहाँ अनुपात में टोटल योग हो रहा है, तो देखिए 2×1=3 और 3.50, तो इसको हल करेंगे यहाँ पर 3.50 बराबर, और कुल रुपए देखिए यहाँ थैली में यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 56 रुपए हैं, तो 3.50 बराबर 56, तो 0.56 जब हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लगेगा 0.56 हटाने के बाद, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7×5=35, 7×8=56, तो 80 हुआ, फिर 5×1=5, ये 16×5=80, तो 1:1 की वैल्यू हो गई 16। और जब 1:1 की वैल्यू 16 हो गई, तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ देखिए संख्या के सामने तो 4 है अनुपात में, तो 4:1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4×16 करेंगे तो 16×64 हो जाएगा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 64 होगी। अब जितने का निकालेगा उतने में यहाँ संख्या वाले में गुणा कर देना है, यदि रुपया पूछता है तो फिर इन वाली वैल्यू में गुणा करते हैं तो रुपये भी आ जाएगा, इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 13 है, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो यहाँ पर लिख लेते हैं मुर्गी और यहाँ पर लिख लेंगे गाय। और देखिए यहाँ पर सिरों की कुल संख्या है 48, तो यहाँ पर ध्यान रखें इस प्रश्न को सॉल्व करते समय दोनों सभी वैल्यू पैरों की संख्या के अनुसार सॉल्व करेंगे। देखिए पैरों की कुल संख्या है 140 है टोटल, तो यदि यहाँ पर टोटल 48 सिर हैं तो मान लेते हैं कि पूरी मुर्गी टोटल 48 हो, यदि क्योंकि टोटल मुर्गी और गाय मिला करके 48 हैं, तो यदि 48 टोटल मुर्गी ही मुर्गी हो तो दो पैर होते हैं प्रत्येक मुर्गी के, तो 48 दूनी 96 पैर हो जाएंगे मुर्गियों के कुल पैर। यदि 48 टोटल गाय मान लेते हैं, टोटल जितनी गाय हैं टोटल 48 हो तो प्रत्येक गाय के चार पैर होंगे, तो यहाँ पर गाय के टोटल पैर कितने हो जाएंगे यदि संख्या पूरी गाय ही मान लेते हैं 48, तो 4 8 32, 4 4 16 3 19, 192। और यहाँ पर कह रहा है कि पैरों की टोटल संख्या 140 है, तो ये एलिगेशन से इसको सॉल्व करेंगे, एलिगेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे तो मुर्गी और गाय का संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे आपस में, तो देखिएगा 2 में 0 घटाएंगे 2, यहाँ पर 9 में 4 घटाएंगे 5, फिर अनुपात यहाँ पर इसमें आपस माइनस करेंगे 10 में 6 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 13 में 9 घटाएंगे 4 44। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 चौक 52, यहाँ पर 11 चौक 44। तो देखिए मुर्गी का संख्या का अनुपात 13 आ गया, गाय की संख्या का अनुपात 11 है, लेकिन यहाँ टोटल संख्या है 48, क्योंकि सिरों की संख्या जितनी दी होती है वही दोनों की टोटल संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 13 प्लस 11, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर हो रहा है 48, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है, ये अनुपात है, और अनुपातिक योग यहाँ हो जाएगा 24, 24 अनुपात की वैल्यू 48, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 होगी। तो हमें ज्ञात करना है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी की संख्या का अनुपात 13 प्राप्त हुआ, तो यहाँ 13 अनुपात की निकालना है, तो 13 × 2 करेंगे तो 26 हो जाएगी, इस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ फोकस करना है कि यहाँ टोटल पैर दिए हुए हैं, तो एलिगेशन के लिए यहाँ पर पैरों की संख्या निकाल लेंगे कि मुर्गियों के कुल कितने पैर होंगे यदि 48 टोटल मुर्गी ही मुर्गी हों, यदि गाय यदि 48 टोटल हो तो तब पैर कितने होंगे, तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे, क्योंकि गाय के 4 पैर और यहाँ मुर्गी 2, तो इस तरह से पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन से चूज करेंगे, पहले देखेंगे दोनों शर्तों को फॉलो करें। पहला कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके संख्या के अंकों के योग का अनुपात 7:1 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन सी मान लीजिए करेक्ट है, तो 2 अंकों की संख्या यहाँ तो 21 है और इसके अंकों को जोड़े दोनों अंकों को तो 3 हो रहा है, तो इसके बीच का अनुपात संख्या और उनके अंकों के योग के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए, 7:1। तो देखते हैं 3 7 21, 3 1 3, ये 7:1 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए ये दहाई में है इकाई में, तो 1 अधिक है, मतलब दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 नंबर है, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम व द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 श्रेणियाँ हैं, एक प्रथम श्रेणी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम और ये लिख लेंगे यहाँ पर द्वितीय। अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात दिया है स्टार्टिंग में, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे किराया या किराए का अनुपात, तो यहाँ दिया है 4:1, तो इसको पहले वैल्यू लिख लेते हैं। और वहीं पर देखिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ संख्या दिया हुआ है, संख्या का अनुपात यहाँ दिया है 1:40, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 1:40। अब हमें निकालना है रुपये का अनुपात में, रुपये निकालेंगे अनुपात में, तो किराया गुणे संख्या आपस में गुणा कर दिया जाता है, तो 4 × 4 = 40 × 40, रुपये का अनुपात 4:40 होगा। अब यहाँ अनुपात में टोटल योग हो रहा है 40 और 4 44, 44 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 11,000 रुपये, क्योंकि यहाँ टोटल आय दिया है दोनों से, वह यहाँ पर दिया है देखिए कि यदि कुल किराए की वसूली 11,000 है, तो यहाँ पर अनुपात में 44 और यहाँ 11,000, तो कैंसिल आउट 11 से करेंगे, 11 × 11 तो 1,000 हो जाएगा, यहाँ 11 चौक 44, तो 4 = 1,000, तो देखिएगा
यहाँ पर, अब यहाँ पर चार बराबर जो 1000 प्राप्त हुआ, ये चार अनुपात की वैल्यू 1000, तो प्रथम श्रेणी से ये रुपए अनुपात में चार ही था जो कि 1000 रुपए होगा, इसी को फाइंड करना है। एक अनुपात की नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट चार अनुपात की यहीं से प्राप्त हो गया। तो यहाँ प्रश्न में देखिए कह रहा था कि यहाँ पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम, तो अनुपात में चार है जो कि 4 = 1000 रुपया, नहीं फिर एक अनुपात की निकाल के 4 से गुणा करेंगे तब भी 1000 ही आएगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, और इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक वीडियो और उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए जाएंगे। तो आप लोग स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यदि ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर आपको टोटल बेसिक के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा और शॉर्टकट मैथड आपको बताए जाएंगे, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, बाकी वहाँ पर शॉर्ट तरीका बताया जाता है से आपको इजिली मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे सॉल्व करने में आपको सोल्यूशन हो जाएगा किसी भी सवाल का, और इसी तरह आपको रीजनिंग भी मिलेगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे।